The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कल बीती शाम 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 10वीं में अनुष्का अग्रवाल ने 500 में से 495 नंबर हासिल कर 10वीं में टॉप किया है। वहीं जयंत यादव ने 487 अंकों के साथ 12वीं परीक्षा में टॉप किया है। इस साल 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि आपके पेपर अच्छे तरीके से देने के बावजूद आपके नंबर कम आए हैं, तो हम आपको नंबर बढ़ाने की ट्रिक बता रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 का भी आयोजन कराया जाएगा, जिसके लिए आवेदन 9 जून से किया जाएगा। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं या उनके उम्मीद से कम नंबर आए हैं, वे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 में शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो बोर्ड द्वारा एक और व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 आवेदन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जो बच्चे एक या दो विषयों में पास होने में सफल नहीं हो पाए हैं, वो इस परीक्षा में आवेदन करके एक बार और प्रयास कर सकते हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन 9 जून से शुरू होंगे। इस वर्ष एमपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 की पूरक परीक्षाओं में कुल 1,377 छात्र उपस्थित होंगे। पूरक श्रेणी में छात्रों में 49,877 छात्र और 50,500 छात्राएं हैं। इसके लिए आवेदन 9 जून से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही एमपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जुलाई में आएंगे। इसकी परीक्षा अगस्त माह में संचालित कराई जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से आपका साल बच सकता है। आपको बता दें कि कंपार्टमेंट एग्जाम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और यदि आप एक विषय में फेल हैं, तो आपको 350 रुपये शुल्क के साथ 25 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। अगर आप दो विषयों में फेल हैं, तो यह राशि डबल हो जाएगी। इसके आवेदन के लिए आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड, बोर्ड रिजल्ट, फोटो और पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। इन्हीं दस्तावेज की मदद से आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। द माया इंटरनेशनल स्कूल एम्स टू ब्रिंग होलिस्टिक लर्निंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.